हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स हॉट 9 के बारे में, क्योंकि यहाँ पे कुछ इन्फिनिक्स हॉट 9 के बारे में कुछ लीक्स निकल के आए हैं कि यहाँ पे अब हमें इन्फिनिक्स हॉट 9 में पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को नहीं मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट्स हमें देखने को मिलने वाले हैं इन्फिनिक्स हॉट 8 से। तो ये बिल्कुल ही कन्फर्म हो चुका है कि यहाँ पे इन्फिनिक्स हॉट 9 में हमें पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उससे आगे वाली सीरीज में भी हो सकता है हमें पॉपअप सेल्फी कैमरा स्मार्टफोन देखने को मिल जाए इन्फिनिक्स की ओर से। और यहाँ पे हमें काफ़ी कुछ नया देखने को मिलने वाला है इन्फिनिक्स हॉट 9 में। तो यहाँ पे अगर इसके पहले लीक फीचर की बात करें, वो हमें देखने को मिलने वाले हैं इसकी डिस्प्ले में, क्योंकि यहाँ पे हमें इन्फिनिक्स हॉट 9 में फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन के साथ में काफ़ी अच्छी डिस्प्ले और वाइडर एंगल वाली डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पे ये डिस्प्ले जो है कम से कम स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ में आने वाली है। और अगर बात करें इसके प्रोसेसर की, वो हमें हीलियो P35 का देखने को मिलने वाला है, जैसा कि इन्फिनिक्स अपने किसी भी स्मार्टफोन में हमें P35 का प्रोसेसर नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे अब हमें इन्फिनिक्स हॉट 9 में P35 का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जिस प्रोसेसर की मदद से हम काफ़ी स्मूदर गेमिंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें इसके सेल्फी कैमरे की, वो हमें 32 मेगापिक्सल का देखने को मिलने वाला है, जैसा कि हमें इन्फिनिक्स S5 में देखने को मिला था। और यहाँ पे बात करें अगर बैटरी कैपेसिटी की, तो वो हमें 6000 mAh की देखने को मिलने वाली है, जो कि एक मॉन्स्टर बैटरी होने वाली है। और यहाँ पे ये हमें कम से कम 3 दिन का बैटरी बैकअप देने वाली है। और बात करें इसके रियर कैमरे की, वो हमें 48 मेगापिक्सल के मेन सेंसर के साथ में क्वाड कैमरे का सेटअप देखने को मिलने वाला है, जो कि अपने सेगमेंट में और प्राइस में काफ़ी अच्छा निकल के आएगा। और ये फ़ोन हमें सभी प्रकार के सेंसर से लैस देखने को मिलने वाला है, जैसे कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर, लाइट सेंसर, जीरोस्कोप, और यहाँ पे हमें कंपास के साथ में ये स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है। और फिंगरप्रिंट सेंसर हमें बैक पे ही सैचुएटेड देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे बात करें इसके लॉन्च की, तो ये हमें दिसंबर के एंड मंथ तक देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे प्राइस का हमें 9000 से ऊपर देखने को नहीं मिलने वाला है, जैसा कि आप इन्फिनिक्स को जानते हैं।